फ्रेंड्स, आई एम मनीष कंगवाल एंड श्री दीपाली सिंगवाल एंड विद अस वी हैव डॉक्टर नटवर शारदा सर, ही इज अ हेल्थ ऑफिसर इन इंडियन इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, सर आप बेसिकली किस डिपार्टमेंट से डील करते हैं? हम लोग बेसिकली सैनिटेशन डिपार्टमेंट से डील करते हैं, जिसके अंतर्गत हाउस टू हाउस गार्बेज कलेक्शन, यस सर, और फाइनली इसका डिस्पोजल ट्रेंचिंग ग्राउंड पे या प्रोसेस प्लांट पे, यहाँ तक का कचरा उठाने से लेकर उसका डिस्पोज कंप्लीट डिस्पोजल तक, ये हम इस डिपार्टमेंट से डील करते हैं। सर, और एज एन हेल्थ ऑफिसर आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है? एज एन हेल्थ ऑफिसर हम लोगों का बेसिक काम होता है सुपरविजन अपना सैनिटेशन वर्क, घर घर से कचरा लेके और ट्रेंचिंग ग्राउंड तक पहुँचाना, ये हमारा पहला जॉब है। इसमें हम सुपरविजन करते हैं, एट द सेम टाइम कोई भी समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हम कोऑर्डिनेट करके और उनको समस्या को निपटान करते हैं। सर, ये देवघराड़े साइड आता है ना पर ट्रेंचिंग ग्राउंड? जी हाँ, देवघराड़े पे हमारा ट्रेंचिंग ग्राउंड है, वहीं पे हमारा प्रोसेसिंग प्लांट भी है, तो यहाँ से सारा पूरे शहर का कचरा उठ के वहाँ जाता है और वहाँ पे सेग्रीगेशन होता है कचरा बायोडिग्रेडेबल के अंदर, और बायोडिग्रेडेबल जो रहता है उससे फिर हम खाद बनाते हैं, उसको वहाँ भेज देते हैं, और जो लास्ट रेसिड्यू होता है वो हम लोग उसको ट्रेंचिंग ग्राउंड में हमारे जो गड्ढे बने हुए होते हैं उसमें डंप करते हैं। सर, और आपका अभी आप जो इनिशिएटिव्स फ्यूचर आपके प्लान्स क्या हैं, मतलब आप क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं? हम फ्यूचर इनिशिएटिव जैसे इंदौर शहर की बात करें तो इंदौर में भी घर घर से जो कचरा उठना चाहिए हाउस टू हाउस वो नहीं हो पा रहा है। करीब 10 वर्ष से डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। सेम पोस्ट? हाँ, आई एम वेरी सेम पोस्ट। और सर, मेनली आपका एक्सपीरियंस क्या था इन 10 सालों में? पिछले 10 सालों में काफ़ी चेंजेस आए हैं। इनिशियली हम लोगों के पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होते थे, उससे हम काम करते थे, जिसमें नंबर ऑफ लेबर्स जो होते हैं हमारे वो भी बहुत कम होते थे, रिसोर्सेज बोले तो गाड़ियाँ वगैरह भी बहुत कम होती थी ट्रांसपोर्ट के लिए। 10 सालों में इसमें काफ़ी इजाफा हुआ है, बड़े पैमाने पे गाड़ियाँ भी ली गई हैं, एट द सेम टाइम मशीन्स टेक्नोलॉजी और सब 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 ली जा रही है, जैसे रोड स्वीपिंग के लिए हमने स्वीपिंग मशीन ली है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं वो धूल उठाती हैं सड़कों से ताकि लोगों को एयर पॉल्यूशन और धूल न लगे। इसे बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हुए हैं और अभी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट होना बाकी है। मेरा एक सिंपल सा सबमिशन ये है कि हमारे पास पहले तो 2000 वर्कर थे, हमने बढ़ाकर उनको करीब करीब 5000 वर्कर कर लिया है और इंदौर के 5000 वर्कर के 10000 हाथ होते हैं, जो दोनों हाथ मिल के 10000 हाथ कचरा शहर से उठाते हैं, और शहर में लगभग 50 लाख हाथ हैं 25 लाख लोगों के जो कचरा फेंकते हैं। ये रेशो बिल्कुल जेन्युइन नहीं है, और अगर हमको कचरे से मुक्ति पाना है, शहर को बिल्कुल स्वच्छ और ग्रीन रखना है, तो इसमें पब्लिक का पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखता है। अगर वो हमको सिर्फ इतनी मदद कर दे कि रास्ते में कचरा फेंके नहीं और नियत स्थान पे रख दें या नियत व्यक्ति को दे दें, तो मैं सोचता हूँ कि ये 10000 हाथ 50 लाख हाथों का बिखरा हुआ कचरा भी समेट पाएंगे। वरना हमारी जितनी भी कोशिश हम कर लें इसमें 100% सफलता हम नहीं पा पाएंगे। माय नेम इज पीसी जैन, आई एम बेसिकली सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर फ्रॉम पीएचई डिपार्टमेंट। आईएमसी में मैंने अभी एक महीने पहले ज्वाइन किया है, उन्होंने मुझे वाटर सप्लाई और ड्रेनेज वर्क के लिए जाना है। आप बताएंगे कि ये जो हमारे पास सीवेज है, जो भी वेस्ट वाटर है, वो कहीं ना कहीं एक जगह कलेक्ट होता है, कलेक्ट किसे होता है?
तो उसका फिर हम क्या करते हैं जो कि वेस्ट वाटर हमारे पास आता है? सीवेज का जो कलेक्ट होता है बेसिकली वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में वो ट्रीट होता है, ट्रीट होने के बाद उसमें जो ऑब्जेक्शनेबल मैटर्स होते हैं जैसे BOD होता है, वायुकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं, COD होता है, टोटल सस्पेंड सॉलिड होता है, जो लिमिट से ज़्यादा होते हैं वो एज पर रूल जो हमारा गवर्निंग अथॉरिटीज है CPHEEO मैनुअल, सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन है, उसका एक मैनुअल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके तहत हम उसको ट्रीट करते हैं। ट्रीट करने के बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, सेकेंडरी के बाद उसको नाले में छोड़ देते हैं। नाले में जो वेस्ट जाता है वो ऑब्जेक्शनेबल वेस्ट नहीं होता है, और दो पोटेबल वाटर नहीं बनता है वो, लेकिन ऑब्जेक्शनेबल नहीं होता है, उसको अपन एग्रीकल्चर वगैरह में यूज कर सकते हैं, उससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, गंदगी नहीं होती, बदबू नहीं, उसको ट्रीट करते हैं। तो सर जैसे ट्रीटमेंट प्लांट तो इसमें लोग ज़्यादातर केमिकल यूज़ करते हैं या कोई दूसरे मेथड्स? उसके बहुत सारे मेथड्स हैं, एनोरोबिक ट्रीटमेंट होता है, एरोबिक ट्रीटमेंट होता है, जैसे सेप्टिक टैंक है इसमें एनोरोबिक ट्रीटमेंट होता है, पार्शियली डिकम्पोज ट्रीटमेंट होता है वो, लेकिन जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लान के थ्रू होता है वो एरोबिक ट्रीटमेंट नॉर्मली लेते हैं, वो फुल्ली ट्रीटेड ट्रीटमेंट होता है। मैं तो 30 साल नौकरी हो गई, 82 पास आउट हूँ, आई वाज नेचुरल इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ आई स्टार्टेड माई सर्विस 82 में, 83 आई वाज गुजरात इरीगेशन, आई वाज कंटिन्यू 30 इयर्स। ये पोस्ट तो मेरा अभी प्रमोशन हुआ है, इसके पहले आप कहीं और होंगे? मेरा PhD डिपार्टमेंट है, PhD डिपार्टमेंट का मैं अधिकारी हूँ, पहले मैं असिस्टेंट था, फिर एजुकेटर हुआ, फिर सुप्रीनियर हूँ, अब लग में शादी है चीफ हो जाऊँगा, इसके ऊपर हमारा ANC होता है, इंजीनियर चीफ होता है, वो भी हो जाता है, कोई डिपार्टमेंट सेक्रेटरी भी बनाते हैं, सेक्रेटरी भी बन जाते हैं। और कोई बात बताओ we are posted here as it how to prevent the epidemic and endemic diseases in the city. Actually we are the chief advisor in that way. Indore has a nowadays Indore has the total population with including the floating population near about the 25 lakhs. Yes sir. You know? I think more than that. Just we are estimated about it. Yes sir. And per capita, you know the per capita? Per person. The per person generated the waste near about the 400 grams. Yes, sir. 400 sir, grams. Sir, only solid waste you are talking or liquid? I'm just about the solid. Yes, I'm just giving solid. My, yes. Like that. Just information about solid. Yes. The Indore produced generate the more than the 800 metric tons solid waste per day. We have near about the 5,000 worker in the city. With all the we are doing the door to door collection with the help of the NGO. Indore having the more than the 700 NGO. Working for the solid waste. They keep their colony clean. Yes, sir. Just like Sefi Nagar, Lokman Nagar, Anup Nagar, so many colonies there. After the primary sweeping and collection in the dustbin, all the dustbin is lifted by the modern type of the machine. देवगुराड़े का जो टेंचिंग ग्राउंड है दे आर डाउन इन सब जाके वहाँ खाली सर आप कितने साल से डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं? आई पास द 25 इयर्स। 25 इयर्स सो व्हाट और सर एज अ CHO मींस कितने साल हुए आपको? 5 इयर्स। 5 इयर्स और सर आपका एक्सपीरियंस क्या रहा इंदौर के बारे में इतने 2000 वाली एंड इट मेक द लॉ
and responsible person become to the commissioner, उसका फिर सबने ध्यान देना चाहिए। उसके पहले तो डिपार्टमेंट ऐसा था कि नक्शा आपका कचरा आप देखा, नोबडी इज इंटरेस्टेड। कोई कचरा कचरा शब्द सुनना अच्छा पसंद नहीं करते। मैं वही तो बता रहा हूँ कि जो मशीन लगी हमारे प्रोसेसिंग प्लांट में वो अपने आप सेग्रीगेट करती है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, है ना। तो जो नॉन वाले होते उसका क्या बनता है, आरडीएफ बन जाता है, ब्रिक्स बन जाती है, है ना। और आरडीएफ जो बनता है वो सीमेंट फैक्ट्री में काम आता है। वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। हम लोगों के जो फंड्स हैं, अभी तो हम अपना फंड्स खुद ही बना लिया है, एंड वी आर द अर्निंग मेंबर ऑफ द कॉर्पोरेशन। मैं अपने डिपार्टमेंट को पूरा स्मूथली चलाने के बाद में 10 करोड़ नगर निगम को कमा के देता हूँ। Thank you, sir.